एग्जाम्पल बता सकते हो? H2O2 O2 में एटॉमिसिटी क्या है? व्हाट डज इट मीन? एटम लाइक इफ आई विल टेल यू एक इसमें और चीज लिखो एज वी ऑलरेडी डिस्कस दीज आर व्हाट टाइम विद ऑन अ These are noble gases. Okay, so the atomicity of this is one. Okay, atomicity is one, right? उसके बाद if I am saying O2, so atomicity two. If I am saying इसमें कितने? 7. 7.
सिक्स कैसे पॉजिटिव होते हैं कि नाइन होते हैं, मतलब बता दो पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं। Thank you.
राइट। अब अगर मैं कह रही हूँ सिलिकॉन की जगह पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। अब इसके अलावा इन योर बुक वन टेबल इज गिवन, दैट टेबल यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली बिकॉज दे आर हैविंग अ फिक्स फार्मूला। फिक्स फार्मूलाज आर देयर, SO4 2 नेगेटिव, राइट, CO3, लाइक दे हैव गिवन अ, मुझे I am showing it. Look here, page number 37, this side, especially ये वाली, ठीक है, बाकी that you can fail, because these comes under the 20 elements. So that you can fail by the electronic configuration of atomic number. Only last one, that is polyatomic ion. Polyatomic means when two or more atoms combine. जैसे आपके पास है यहाँ पे अमोनियम NH4 positive. It is having a fixed formula. Sulfate. These are having fixed formula that you have to learn. Hydroxide. ये कंबाइन है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाई कार्बोनेट, अच्छा नोट डाउन, बाई कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाई कार्बोनेट। समटाइम वी कैन गिव यू द क्वेश्चन की राइट डाउन या फेक द फार्मूला ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट rather than to give sodium hydrogen carbonate, one of the same thing, ठीक है, and it is having a HCO3, it is fixed form. Phosphate, phosphate PO4 sulfide, याद रखना तो और डी होता है ना, जैसे क्लोराइड ऑक्साइड, आपने नॉर्मली क्लोराइड ऑक्साइड इनका माइनस नहीं होता, मतलब डी डी वर्ड जो है जैसे सल्फाइड वो टू को शो करेगा, सल्फाइड टी एस थ्री नेगेटिव, और कौन सा है बता दे, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव,
व्हाट डज इट मीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग है व्हेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देखो हमने करा था दिस इज न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है प्रोटॉन एंड बाहर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने डिस्कस करा था कि एटॉमिक नंबर क्या है सीरियल नंबर ठीक है सीरियल नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ सीरियल नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों चीजें सेम होती इन एनी केस as we already discussed in case of the isotope kara tha humne wahan pe variation kaha hai mass number mein kya change hai maine abhi kya bola hai ye abhi aapka topic hai next chapter hai just try main kya keh rahi hu jo aapne serial number likha that is number of protons plus number of electrons that's why atom is called electrically neutral theek hai अब जब हम बात कर रहे हैं 1H2 मैंने यहाँ बात की 1H1 व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू केसेस एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ठीक है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 वो हमारे पास ये होता है मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो ये वेरिएशन है लिखना नहीं समझो मास नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां ये वेरिएशन आएगी मास नंबर 2 है जो ऊपर होता है प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे ये डिफरेंट होता है बट वी विल डिस्कस डिफरेंस देखो सोडियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उधर लिखो इट इज पॉजिटिव चार्ज आयन का इट इज पॉजिटिव चार्ज आयन हैविश नहीं समझ रहा इट इज पॉजिटिव चार्ज आयन सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज आयन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एक ही बात है सेकेंड पॉइंट सोडियम एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिया ना समझ आई कि नहीं ये देखो 2H1 वहां पे क्या रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5 हो गए एज कंपेयर टू दिस तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि प्रोटॉन्स क्या है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स क्या है एटॉमिक नंबर वो तो 11 ही है जब आयंस बन गया तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में 1 था यहां 1 हट गया यहां पे 11 इसका प्रोटॉन था 11 ही इलेक्ट्रॉन है यहां इसकी क्या थी देखो प्रोटॉन्स कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2H1 का भी बना यहाँ कितने रह गए प्रोटॉन कितने हैं 11 क्योंकि प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितने रह गए इलेक्ट्रॉन आर लेस देन द प्रोटॉन समझ आई मैं करवाने लगी वेट करो थर्ड पॉइंट लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो दोनों की इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2H1 इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2H
देखो केमिकल फार्मूला, व्हाट इज केमिकल फार्मूला, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला इज द ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोबारा बोलू भवन केमिकल फार्मूला इज द ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of its composition of its composition rules given hai usme rules for writing the chemical formula that you will read theek hai now I am going to tell you how to make the formula ye topic dhyan se samjho But you said baking soda. That is a little bit difficult. First, I am just telling you the simple one. First, आपको question है sodium chloride. What is the symbol of sodium? Symbol of Cl. Atomic number. Atomic number. How many electrons it will lose? How many it will take? We can write plus one also or plus akela likha hai. That means one ko chhod kar. Same ho gaya. Positive negative same. Dono cancel ho gaye. What is the formula? HCl. Ye mere saath please aise hi banao. Kitna effort kar lo. Whatever I am doing, do it with me. Whatever you are doing, you are just writing two or three and write the formula. I will cut the mark. Yes, those who are writing like this, aise aise and this, my number nahi do. I am telling you. This is why I am telling, bache. This is a new concept. What are you? What all of you are doing? You are just cramming. Ki haan bhai aise learn kar. Better to do like this so that test mein koi problem nahi aayega. Haan ji, aage dekhte hain formula banaye. Hydrogen sulfide. MgH2. Dekhte jao. Hydrogen. What is the formula? Simple. H sulfur, right? We will not write to see the its valency. Hydrogen atomic number. Then electronic configuration one. ठीक है जो इसके ऊपर है वो इसके पैर में आएगा जो यहाँ है वो इसके है H2S कोई भी अभी नहीं समझ आ रहा है नो इश्यू मैग्नीशियम क्लोराइड हाँ जी वेट वेट स्टॉप टॉकिंग हाँ जी मैग्नीशियम सिंबल ठीक है आई एम नॉट राइट ठीक है जी एटॉमिक नंबर 2 8 2 8 how many it was 2 and how many chlorine gas 1 so iske paas hai iske pehle mg cl 2
राइट वगैरह हमने